गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ आनंद गिरीश, और मैं सेवेंथ क्लास पर जो पार्ट सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है न्याय का विरोध, और इसका आज हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न उत्तर में बनाने से पहले सबसे पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि आप किस ढंग से कॉपी बनाओगे, किस ढंग से आप लिखना शुरू करोगे। तो बच्चों आप ध्यान दोगे कि सबसे पहले आप अपने कॉपी में अंकु चेकों के बारे में आपके लास्ट पेज पर है ना, पेज नंबर 21 में उनके बारे में दिया गया है, उसको आप लिख लोगे, यानी इसको हम कहेंगे लेखक परिचय। उसके बाद बच्चे आप ध्यान देंगे कि शब्द वाटिका यानी शब्दार्थ आप उसे लिख लोगे और याद कर लोगे। उसके बाद हम आते हैं कुछ प्रश्न उत्तर पर। तो सबसे पहले जैसा कि पिछले किताब में आप लोग देखे थे मौखिक प्रश्न, तो मौखिक प्रश्न का आंसर हम लोग एक वाक्य में लिख देते थे, एक से दो वाक्य या दो वाक्य के अंदाज में हम लिख देते थे। उसी तरह यहाँ पे भी प्रश्न जो है जबानी बताओ, यह मौखिक तरह के हम लोग लिखेंगे, यानी इसका उत्तर हम लोग एक वाक्य में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जबानी बताओ। यानी इसका जवाब आप लिखोगे एक वाक्य में। मैं लिख देता हूं, वाक्य में लिखे तो अब हम शुरू करते हैं यहां पर। प्रथम पहला प्रश्न आप ध्यान से सुनोगे, जैसा कि आप पढ़ भी चुके हो, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन में जरूर आते होंगे, उसको भी आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, अन्याय का साथ क्यों नहीं देना चाहिए। आप जानते हो अन्याय का साथ क्यों नहीं देना चाहिए, क्या कहेंगे? अन्याय का साथ इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि यह एक क्या है, सबसे पहले यह एक पाप है। आपका जवाब हो सकता है पाप है, और अन्य लोगों की नजर में हम गिर भी जाते हैं। अगर हम किसी के अन्याय का साथ देते हैं तो पाप तो करते ही है, साथ ही साथ हम किसी के भी सबों की नजर में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसीलिए हमें अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अन्याय क्यों नहीं सहना चाहिए। अन्याय क्यों नहीं सहना चाहिए, वेरी गुड। आप जानते हो अन्याय इसलिए नहीं सहना चाहिए क्योंकि अन्याय सहने से लोग दब्बू भीड़ू और बूढ़ा समझेंगे, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न जो हम होंगे उनके उत्तर मिलते जुलते होंगे, तो आप ध्यान में रखेंगे उन उत्तरों को ध्यान से पढ़ करके आप देखोगे। तीसरा प्रश्न है, क्या अन्याय का विरोध करना बुरी बात है। क्या अन्याय का विरोध करना बुरी बात है, बताइए तो। वेरी गुड, नहीं, अन्याय का विरोध करना बुरी बात नहीं है। चौथा प्रश्न, जूलिया का मालिक क्या चाहता था। आपको मालूम ही होगा जैसा कि पाठ में भी बताया गया है कि जूलिया का मालिक क्या चाहता था कि वो दब्बू भीलू बोधा बन करके न रहे बल्कि अन्याय का विरोध करे। वेरी गुड। पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्या जूलिया को अन्याय का विरोध करना चाहिए था। आपका जवाब क्या होगा, चाहिए था कि नहीं। हाँ, वेरी गुड, उसे अन्याय का विरोध करना चाहिए था। छठा प्रश्न, जूलिया का स्वभाव कैसा था। शुरू से हम बहुत, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे प्रश्नों का आंसर एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, तो वही होगा, जूलिया का स्वभाव कैसा था। जूलिया का स्वभाव दब्बू भीलू बोधा और शांत था, है ना, शांत स्वभाव। उसके बाद सातवां प्रश्न हम देखेंगे, क्या आपने कभी किसी की बात का विरोध किया है। किसी भी बात का विरोध किया है अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में, अपने भाई बहनों के साथ, कभी कभी माता पिता के भी आप बातों का विरोध करते हो जिसके कारण आपको कभी कभी पिटाई पड़ती है, तो किए हैं तो हाँ, नहीं किए तो नहीं। ये आपके आपका प्रश्न है, आप इसका जवाब लिख सकते हो। तब हम आते हैं आठवां प्रश्न, जूलिया को लोग उसकी किस कमजोरी के कारण ठग लेते थे।
बार बार यही प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं, उसका जवाब एक ही आना है। तो आप लिख सकते हो विलिया को लोग उसकी दब भीरू और बोधापन के कारण क्या कर लेते थे, उसे ठग लेते थे। और ठगना क्या है, बहुत ही बुरी बात है। अब एक वाक्य में जवाब लिख सकते हैं। अब आते हैं कलम उठाओ, यानी इसका उत्तर संक्षेप में लिखोगे। कलम उठाओ, यानी ये प्रश्न का उत्तर क्या लिखोगे संक्षेप में लिखे, जैसा कि आपके किताब में भी दिया गया है। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, जूलिया किसकी गवर्नेस थी, किसकी गवर्नेस थी, आपके सामने भी लिखा हुआ है। वेरी गुड जूलिया अंतोचेका के बच्चों एवं घरों की गवर्नेस थी, यानी बच्चों की भी देखभाल करती थी, साथ ही साथ घर के जो भी चीजें हैं उनकी भी देखरेख करती थी। तो इसको संक्षेप रूप में दो तीन से चार वाक्यों में या तीन वाक्य में आप लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न, जूलिया की तनख्वाह कितनी थी, जूलिया की तनख्वाह महीने की, वेरी गुड 30 रूबल थी, है ना। अब हम आते हैं तीसरा प्रश्न, जूलिया के कितने दिन काम किया था, जूलिया ने कितने दिन काम किया था। ये मैं आपको पूछता हूं कि आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, कौन से भाग में मैं बता भी देता हूं, किस पेज नंबर पे, 16 पेज नंबर पे ही आपको मिल जाएंगे ये प्रश्न का जवाब, क्योंकि आप लिख सकते हो, सीखना है। अब हम आते हैं चौथा प्रश्न, उसने क्या क्या नुकसान किए थे। तो जूलिया ने बहुत सारे नुकसान किए थे, चाय के प्याले तोड़ दिए थे, थाली गिरा दिए थे, जैकेट उसके बेटे के जैकेट फट गए थे, है ना, जूते की चोरी हो गई। तो बहुत सारे नुकसान किताब में भी दिए गए हैं, वो आप लिख सकते हो एकदम अच्छे तरीके से। तो कोशिश करना है कि आप 7th में आ गए और 7th में खुद से लिखने की कोशिश करना है, जहां दिक्कत होगी वहां फिर हम लोग उस पर विचार करेंगे और आपका सुधार करेंगे। अब हम आते हैं पांचवा प्रश्न, लेकर ब्रैकेट में दिया गया, जूलिया के मालिक ने उसे कितने रूबल दिए, क्या कितने रूबल दिए, 80 रूबल। महीने के कितने बनते थे, 30, कितने महीने, 2 महीने पर 60 हो गए। लेकिन वो खुशी होने के कारण, उसके इस दबों पर भय और उसके अन्याय सहने के कारण, उनको हर एक प्रकार से देखते हुए उसको कितने रूबल दिए थे, 80 रूबल। तो इसको आप संक्षेप रूप में आप लिखोगे कि जूलिया के मालिक ने उसे कितने रूबल दिए थे, जूलिया के मालिक ने उसे 80 रूबल दिए थे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि जूलिया जो है उनके बोले गए शब्दों का विरोध कर पा रही है कि नहीं, और उसको वो क्या करना चाहते थे, जगाना चाहते थे, अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए उसे साहस प्रदान करते हैं। वेरी गुड। तब हम आते हैं विस्तार प्रश्न, यानी इसको आप पूरे तरीके से विस्तारित रूप से आप लिखोगे, अक्सर 3 से 4 वाक्य 5 वाक्य हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक जूलिया को क्या हिसाब बता रहा था, लेखक जूलिया को उसके नुकसान, उपस्थिति और उसके काम करने के तरीके और उसके द्वारा लिए गए एडवांस जो पैसे करते थे उसको, उसके बारे में हिसाब बता रहा था, और बताने के क्रम में वो कितना हिसाब बताया उसको आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न, जूलिया ने लेखक का विरोध क्यों नहीं किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जूलिया ने लेखक का विरोध क्यों नहीं किया। तो जूलिया ने लेखक का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि सबसे पहले उसका स्वभाव क्या था, वो दब्बू भीरू और बोधा बन करते रहती थी, और दूसरी बात यह थी कि वो पहले जहां पे काम करती थी वहां पे तो उसको पैसे भी नहीं मिलते थे, यही सोच करके उसने उनका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो सोच रही है कि कुछ तो पैसे यहाँ पे तो कुछ तो पैसे मिल रहे, दूसरी जगह तो कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे थे। बच्चों ध्यान रखोगे, इससे अपने वाक्य में लिखोगे, क्योंकि अक्सर हम जब अपने वाक्य में प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो हमें याद रहता है,
वो अस्थाई रूप से याद रहता है और परीक्षा के अंत तक या जब आप बोल जाते तब तक आपको याद रहेगा। उसके बाद हम आते हैं तीसरा प्रश्न, लेखक ने जूलिया को परेशान क्यों किया? क्यों किया लेखक ने, आप बताइए। वेरी गुड, लेखक ने जूलिया को परेशान इसलिए किया क्योंकि वो उसे अन्याय के विरोध करने के लिए क्या करते थे, जागृत करना चाहते थे उसे, ताकि वो बीरू प्रकार की प्रवृत्ति न रखे, वो उसका मुकाबला करे। और उन्होंने यह भी बताना चाह रहे थे कि संसार में ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, इस संसार में कोई भी अस्तित्व नहीं है अगर जो इस तरह की प्रवृत्ति को अपनाए रखते हैं। बच्चों आप ध्यान में रखोगे, इसको भी आप लिखना है। अब हम आते हैं भाषा ज्ञान, भाषा ज्ञान जो कि व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप किसी भी बहुत सारे किताब व्याकरण की किताब में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आप ध्यान से सुनोगे। वचन बदलिए, जैसे महीना बताइए महीने, छुट्टी छुट्टियां। एक चीज मैं बता दूं बच्चों कि बहुवचन बनाने के लिए या वचन में परिवर्तन के लिए दीर्घ की छोटी ई में बदल जाती है, दीर्घ की छोटी ई में बदल जाती है और यहां पर चिन्ह बनता है। इससे सब ध्यान रखेंगे। उसी तरह बोली यानी हमारे साथ है, अगर मात्रा देखेंगे तो ये की मात्रा किसमें बदल जाएगी, छोटी ई की मात्रा में, और यहां पर चिन्ह लगा दीजिए। इसी तरह बोली बोलियां, खरोच खरोचे, आंख आंखे, लिंग बदलिए। अब हम यहाँ पर लिंग बदलेंगे, जैसे अब एक उदाहरण देते हैं माता का क्या हो जाएगा, पिता। वेरी गुड, तो भाई बहन नौकर नौकरानी बच्चा बच्ची मालिक मालकी माँ पिता चूहा चूहिया। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतता लिखेंगे यानी उल्टा यानी विपरीत अर्थों को प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अन्याय, तो इसका जवाब क्या होगा, अन्याय का जवाब क्या होगा, न्याय। वेरी गुड, न्याय है तो अन्याय लिख देंगे। कमजोर बलवान या ताकतवर, धीमा तेज बला बुरा चुप वाचा, ताकत कमजोर अपना बनाया निर्दय दयालु। अब हम आते हैं तीन तीन प्रयवाची शब्द लिखे, बच्चे ध्यान देंगे। इंसान का प्रयवाची शब्द आप कहीं भी ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा। मैं भी बता रहा हूं, इंसान मनुष्य मानव आदमी। मालिक का प्रयवाची शब्द स्वामी अधिपति नाथ, बेटा पुत्र लड़का अन्य सुत्र भी बोल सकते हैं, और स्त्री नार स्त्री नारी महिला का प्रयवाची शब्द है, दिन का प्रयवाची शब्द दिवस वार और समय। अपना विकास अपने हाथ, ये बहुत ही जरूरी है जानना। इसमें हम देखेंगे इस कहानी में प्रयुक्त निम्नलिखित विदेशी शब्दों के से एक एक वाक्य बनाओ। विदेशी शब्द का दूसरा नाम अब बताइए। वेरी गुड, आगत शब्द, आगत शब्द यानी जो कहीं से आ गए हैं, किसमें आ गए हैं, हिंदी में आ गए हैं उसे, जैसे तनख्वाह रूबल प्याली सांड डायरी, इन सारे चीजों को आप लिख लोगे। इस कहानी के रचयिता अंतो चेखव के बारे में अपनी कहानी आप पढ़ सकते हो कुछ करके। रचनात्मक उड़ान में देखेंगे, मान लीजिए किसी ने आप पर चोरी का झूठा दोष लगा दिया तो आप उसका किस प्रकार विरोध करेंगे, खुद से लिखना है कैसे विरोध करेंगे, उसके बारे में क्या बताएंगे, है ना, कैसे अपने आप को न्याय दिलाएंगे। दूसरा प्रश्न है, ये सब आप किताब में कर लोगे, इस कहानी को ध्यान पूर्वक पढ़िए और जूलिया में निहित किन्ही तीन ऐसे अवगुण अवगुण का वर्णन करना है। कोई तीन अवगुण, डब्बू भीरू लिख सकते हो, उसका वर्णन करना है। इस अवगुणों का अमूल्य हेतु उपाय भी बताइए, किस प्रकार वो अपने दूर कर सकते हैं। इस तरह
बच्चों ध्यान रखेंगे इस क्लास का जब पाठ समाप्त होता है, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में उसको बांटिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले कक्षा में हम लोग